मछियां पत्थर चट के उड़दियां 79 उदों तो लैके हुण तक मैं रेगुलर काम कर रहा पंजाबी फिल्मां मेरिया 100 फिल्मां रिलीज़ हो चुकियां। मैं एक फिल्म की थी जीजा साड़ी उस तो बाद की थी 40 सोटी मोहन भागड़ी की उदे ते 5 लाख खर्चा होया और सिर्फ सिर फड़ के बह गए भी 50 लाख 50,000 ज़्यादा खर्चा होया किवें कवर हो गया उहदे च कोई 51 लाख रुपया खर्च होया। कहते पता नहीं क्यों यार इन्होंने इन्ना खर्चा करता गुरदास मान कमावा मर गया उहदे तो 8.5% जिहड़ी इकोनोमी है वह नशे ते चलती है क्योंकि मैं 81 च बॉम्बे चला गया सी 79 च कीती चन्न प्रदेशी 81 च बॉम्बे जो भी कुदरत ने कराया मेरे तो मैं कुदरत का शुक्रगुजार। हेलो जी सत श्री अकाल मैं हाँ थोड़े नाल सोनू जांसवाल ते तुसी देख रहे हो चैनल सतरंग। सो साढ़े नाल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे राणा जंग बहादुर जी जिन्हों जे गल करिए खलनायक दी पंजाबी इंडस्ट्री दे खलनायक साढ़े नाल ने राणा जंग बहादुर जी उन्होंने गलबात करते हैं भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी और भाजी ठीक हो सर इतना ठीक बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक जी की कहना चाहोगे अज प्रोग्राम ते पहुँचे हुए हो तुसी इत्थे सिनेमा दिवस ते की कहना चाहोगे। पहला तो सारे दर्शकों नूं मेरा सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। अज पिफ्टा का स्थापना दिवस सीगा जो कि बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। फिल्म इंडस्ट्री के 90% आर्टिस्टां ने अटेंड किया। हर साल पिफ्टा वाले आर्टिस्टां नूं सन्मानित करते सी ते ज़्यादा ज़्यादा तो लाइमलाइट एक्टर लै जांदे सी पर जनता नूं इह नहीं पता हुंदा कि इस पर्दे दे पिछे कौन कौन है। इस बार पिफ्टा ने सोचा कि असी जिहड़े बैक स्टेज काम करते हैं जां पर्दे दे पिछे काम करते हैं टेक्नीशियन चाहे वह लाइट मैन है चाहे वह साउंड रिकॉर्डिस्ट है चाहे कैमरामैन है चाहे डायरेक्टर है उन्होंने सन्मानित किया जाए ताकि उन्होंने लाइमलाइट च लिया जाए जिन्होंने देख के होर लोग भी इंस्पायर हो। टेक्नीशियन जिहड़े हैगे सी उन्होंने सन्मानित किया जिहड़ी साडे लई भी गौरव की गल है तो उन्हां लई भी एक माण की गल है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा बहुत सक्सैसफुल रहा और सारे लोगों ने हुम हुमा के इनू इंजॉय भी किया तो एक बहुत वधिया शुरुआत है। मैं उम्मीद करदा पिफ्टा अगे नूं होर इहजे फंक्शन करेगी जिहदे च कोई बंदा बचे ना चाहे वह राइटर हो चाहे वह स्क्रीन प्ले राइटर हो चाहे वह कैमरामैन हो सारे बंदे नूं सन्मानित किया जाए क्योंकि साड़ी जिहड़ी इंडस्ट्री है साड़ा एक परिवार है। इस परिवार दे विच टेक्नीशियन भी ने एक्टर भी ने डायरेक्टर भी ने राइटर भी ने उन्हां सारयां नूं सन्मानित करना बहुत अच्छी गल है। मैं पिफ्टा नूं इस दी मुबारकबाद दिंदा। सही गल है जंग भाजी क्योंकि देखा जाए अजक बहुत लोग इदा के होंगे ने जिहड़े अपने का साथ नहीं देंदे बहुत वड्डी गल है कि जिहड़े यानी कैमरे तो पिछे जिहड़े अपने होर भी बहुत लोग है उन्हां दा साथ देना। अज के समय के सिनेमा किस नज़रिए देखते हो क्योंकि बड़े लंबे समय तो काम कर रहे हो हूँ सिनेमा इदा तक पहुँच गया बॉलीवुड इंडस्ट्री का कि अज 100 करोड़ तो पार कर रहे हैं जे गल करिए ऑन दी जट्टा की गल करिए। देखो जी जदों मैं चन्न प्रदेशी पहली बार काम किया 79 उदों तो लैके हूँ तक मैं रेगूलर काम कर रहा पंजाबी फिल्मां मेरिया 100 फिल्मां रिलीज़ हो चुकी हैं पंजाबी तो हिंदी तो कीतियां ने 150 फिल्म सीरीयल बड़े किते। मैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री नूं ग्रो करते देखिया अज तो पहला 70s के अंदर 80s के अंदर जदों भी कोई फिल्म बनती सी उहदे कलाकार टेक्नीशियन डायरेक्टर सारे बॉम्बे तो आते सी यूनिट लेके इत्थे पंजाब शूटिंग हुंदी सी ते इत्थे शूटिंग करके वो जाते सी वड्डे वड्डे लोगों के योगदान ने ते ओ इंडस्ट्री दे विच तुसी हैरान होवोगे उदों फिल्म बनती सीगी 4 लाख च। मैं एक फिल्म कीती सी जीजा साड़ी उस तो बाद कीती सी 40 सोटी मोहन भागड़ी दी उहदे ते 5 लाख खर्चा होया और सिर्फ सिर फड़ के बह गए भी 50 लाख 50,000 ज़्यादा खर्चा होया किवें कवर होएगा उदों वह भी कवर होया। तो फिर बाकी फिल्मां बनिया चन्न परदेसी बनी वो 14 लाख च बनी लोग कहते हैं तो 3 फिल्मों का बजट है तो नहीं पूरा होंगे वह भी होया। फिर विजय टंडन ने बनाई फिल्म 35 लाख च लोग कहते विजय तो बर्बाद हो गया विजय टंडन तो वह भी फिल्म ने कवर किया नैशनल अवार्ड भी हासिल किया। फिर उस तो बाद फिल्म आई
अपना गुरदास मान ने बनाई सी शहीद मुहब्बत, उहदे च कोई 51 लाख रुपया खर्च होया। कहते पता नहीं क्यों यार इन्होंने इन्ना खर्चा करता, गुरदास मान कमावा मर गया तो मैं लगता सारे पैसे ला के ये बर्बाद हो जाएंगे, पर वो भी चली। तो इस तरह करते करते फिर मनमोहन सिंह जी ने जिया बनाई, फिर उन्होंने बजट करोड़ों तो उत्ते रहा। तो हुण तुसीं ये देखो भी यह जिहड़ी फिल्म बनी है मस्ताने और मौड़, ये फिल्मों के करोड़ों के बजट ने। मस्ताने मेरे ख्याल अज की सब तो महंगी पिक्चर है जिहदा 45-50 करोड़ बजट है, जिहड़ी कि 4-5 भाषावां च रिलीज हो रही है, पंजाबी च, मराठी, तेलुगू, तलम, तमिल, मलयालम। हुण 5-5 भाषावां च फिल्म रिलीज़ हो रही है, उन्हों का बजट 45-50 करोड़ के नेड़े है। तुम देखो ना सिनेमा 5 लाख तो कितने पहुँचा, 50 करोड़ तक। तो हूँ कैरियन जट्टा ने 100 करोड़, मतलब 114 करोड़ कमाया। तो साड़ी पहली पंजाबी फिल्म है जी 100 करोड़ तो उत्ते गई है। यदा मतलब सिनेमा ग्रो कर रहा है, इनू ग्रो होंदे देखिया। क्योंकि मैं 81 च बॉम्बे चला गया से, 79 च की चन्न प्रदेसी, 81 च बॉम्बे। बॉम्बे करते 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 पंजाबी फिल्मा कीतियां, असी यूनिट ते आउंदे सी, सारा कुछ रेगुलर मैं पंजाबी फिल्मा कीतियां ने। कोई साल ऐसा नहीं जदों मेरे को पंजाबी फिल्म ना आई होवे जदों बॉम्बे रहिंदा सी। उस तो बाद असी फिल्म कीती अज तो कुछ 8-9 साल पहला, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, वो फिल्म टर्निंग पॉइंट सी। तो उहदे विच सरदार मनमोहन सिंह जी डायरैक्टर बने, उन्हां दीआं फिल्मां दा योगदान है, गुरदास मान दा प्रोडक्शन दा योगदान है, मनजीत जी ने फिल्म बनाईआं शहीद मुहब्बत ते वारिशा ते, यानी इह सिनेमा ग्रो करदे करदे जिन्हां दा योगदान सीगा वो इस नूं सिनेमे नूं इत्थे तक लाए। अज इह हो गया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरह, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की तरह, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की तरह, साढ़े पंजाब दे विच पैरलल फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई। जिहड़ी पैरलल फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि सिनेमा ग्रो किया। हुण इत्थे देखो पंजाब दे विच हीरो भी है, हीरोइनस भी है, 40-50 करैक्टर आर्टिस्ट ने मेल फीमेल, यानी तुसीं फिल्म बनाउणी है तो इत्थे सारा कुछ आ जाता है। तो इत्थे डबिंग थिएटर बन गए, कैमराज लोगों ने पाए, लाइटिंग, यानी पैरलल हिंदी पहला उत्थों बनती सी फिल्म, हुण हिंदी फिल्म दे पैरलल जिवें बाकी भाषावां दीआं फिल्म इंडस्ट्रीज ने ये एस्टैबलिश हो गई। इहदी बहुत खुशी है। मैं चाहुंदा कि पंजाबी सिनेमा इस तरह ही ग्रो करदा रहे और सानू माण रहे कि असीं इहदा एक हिस्सा। राणा भाजी, अक्सर तुसीं फिल्मां दे विच बहुत यानी काम कीता, सैकड़ा फिल्मां दे विच काम कीता, कदी जिंदगी दे विच कोई इदां दे दिल दे विच इदां दा होया कि यार हुण मैं निराश हो गया, या कदे सीन करदे होए इदां दी कोई घटना वापरी होए, कोई साझी करोंगे साडे नाल? इस तरह दी तां नहीं होई, क्योंकि मेरा यही होंदा कि मैं प्रेजेंट च ज़्यादा जीना। साडा जिहड़ा माइंड है ना इन्ना कनेक्ट होंदा सानूं पास्ट च लै जांदा, पर मैं पास्ट च नहीं आंदा, प्रेजेंट जीना। जो मैनूं अज मिल रहा मैं वो कर रहा, मैं वो करके खुश हाँ। और यह भी नहीं कि मेरी तमन्ना मैं वो रोल मैनू मिले तो मैं करा, ना ना ना, जिहड़ा रोल मिलता मैं उहदे नाल सिंसियरिटी करके उहनू वधिया करन दी कोशिश करदा। बाकी कोई ऐसा इंसीडेंट है नहीं जिहदा जिक्र किया जाए, पर जो भी कुदरत ने कराया मेरे तो मैं कुदरत दा शुक्रगुजार हाँ। अज फिर अज की कहना चाहते हो तुसीं, कोई मैसेज देना चाहते हो पंजाबियों नूं, अपने पंजाबी भरावां नूं, पंजाब नूं, कि जिदा दे हालात पंजाब दी जे गल कर लईए, बहुत इदां दी घटनावां ने पंजाब दे विच जो अक्सर ही होंदियां रहिंदियां ने, चाहे नशे नूं लेके कर लईए, गैंगवारी नूं लेके कर लईए, यानी पंजाब किहड़े राह नूं जा रहा, इस नज़रिए नाल किस तरह देखदे हो तुसीं? देखो मैनूं अफसोस है, पंजाब दे विच नशे बहुत वध रहे ने, वध रहे नहीं वध गए ने। मैं सोचा भी इहदा इलाज की है, सरकार बड़ियां कोशिशां कर रही है और सरकार की ड्यूटी भी होंदी है कि नशा जिहड़ा है वह समाज दे विच जिहड़े लोग फैला रहे हैं जां जिहड़े समगलर ने जां जिहड़े लेके आउंदे ने उहनां नूं नत्थ पाउणा। पर मैं एक इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़िया सी कि पूरे वर्ल्ड की अगर 100% इकोनॉमी है उहदे तो 8.5% जिहड़ी इकोनॉमी है वह नशे ते चलती है पूरे वर्ल्ड च, और 8.5% बहुत होंगे। 8.5% इकोनॉमी सिर्फ नशे से चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो तुम इन खत्म नहीं कर सकते, खत्म तो होएगा ये जे अज के नौजवान इनू ना कर दें,
कि असी ये नहीं पैना। दूजा की है कि असी नशियां नू ना करनी है, अपनी जिंदगी इत्थे पंजाब च ही बनानी है, फौरन भी नहीं जाना। जिवें कहिंदे हुंदे ना, डूंगा वाला हाल वे तेरे घरे नौकरी, इत्थे ही कर सकदे हो, सब कुछ कर सकदे हो। पता नहीं क्यों दौड़ लगी है बाहर जाण दी। मैं पूरी दुनिया घूमी हाँ, देखा जाए तो मैक्सीम जे वे कंट्री ने हर जगह गया। उत्थे जाके असी मेहनत करने तैयार हाँ, उत्थे जाके असी उत्थों के रूल्स मनने तैयार हाँ जो कि सख्त ने, सारा कुछ है। इत्थे नहीं असी करन तैयार भी अपना कुछ कर लीए। मैं सरकार नूं भी कहना, सरकार अनइंप्लॉयमेंट जिन्ना को उन्होंने हाथ से दूर कर रही है, पर मैं तुम दसदा कि असी बचपन च मैं देखे, मैं डबलएम ए की है, पटियाला यूनिवर्सिटी लैक्चरर भी सीगा मैं। पर कहने का मतलब की है कि साड़ी जिहड़ी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इत्थे पहुँच गया। हर बंदा ना गौरमेंट जॉब लई पढ़ता, ठीक है जी। तुसी गौरमेंट जॉब लई नहीं पढ़ो, तुसी पढ़ाई करो इसलिए कि क्योंकि तुहाडे काम आएगी। पर तुहानू ये होना चाहिए कि अगर गौरमेंट जॉब मैं नहीं कर रहा तो मैं अपना की धंधा कर सकता। दूसरा, सरकार नू नौजवानों वड्डे तो वड्डे लोन देने चाहिए ने कि तुसी अपना जिहड़ा अपना काम करना चाहते हो पंजाब दे विच, तुसी अपलाई करो, तुसी पूरा अपने को रोल मॉडल लेके आओ भी मैं आ करना चाहुंदा, इहदे विच आ है आ है आ है, असीं तुहानूं लोन देवांगे, चाहे तुसी 50 साल वापस करो, 25 च करो, 30 च करो। पर गौरमेंट नूं इह भी इनीशिएटिव देना चाहिए, क्यों जे उह नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों नूं, उन्हां दा रुजगार खोलण लई ना लोन दे सकते हैं। ये सारा कुछ मिलजुल के होएगा, ये जनता भी करेगी, सरकार भी करेगी, तो सब तो वड्डी गल है कि असीं खुद करांगे तो होएगा। गल सही है, गल्लां बहुत घेंट हो रही ने, दिल नहीं कर रहा कि गल छड्डी है। जिहड़ी तुसीं गल आखी है ना, बहुत वड्डी आखी है कि जिहड़े अजकल बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ नौकर बनन लई, मालक बनन लई, क्योंकि अक्सर यही सोचते हैं कि असीं चंगी नौकरी लेनी है, पर यह नहीं सोचते कि असीं मालक बन के कईयां नूं नौकरी भी देनी है। अज पंजाब दी जिदां गल तुसीं कर रहे सी कि अज सारे बाहर जा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी असीं इदां दी खबरां देखते हैं कि बिहारी नाले सारे मुड़ के आउणगे, मच्छियां पत्थर चट के उड़नगियां, क्यों उतों की लाइफ जी है, लाइफ तो बहुत वधिया, पर तुहाडी प्राइवेट लाइफ नहीं और प्रोफेसनल लाइफ नहीं है। तुसी उत्थे मशीन बन के रह जाने हो, जिहड़ी एक जिंदगी है जिहड़ी तुसी जीनी हुंदी है, वह जीनी नहीं, वह कट्टणी हुंदी है, उत्थे कट्टण दा। बाकी मैं नहीं कहिंदा ना जाण, पर मैं चाहुंदा वी तुसी इत्थे वर्गा जीवन किते वी नहीं जी सकते, जी अपनी जमीन नाल जुड़े हो, अपने घर नाल जुड़े हो, अपने परिवार नाल जुड़े हो, इत्थे ही कम करो। दो पैर घट तुरना पर तुरना मटक के नाल तुसी दो रोटियां घट खा लो। पर कहने का मतलब मैं सारे नौजवानों को कहना भी इत्थे रहो, इत्थे रुजगार पैदा करो। धन्यवाद जी, समा धन्यवाद। सो इसी जी अपने नाल राणा जंग बहादुर जी जिन्हां नाल गलबात की, सो किदां दी लगी गलबात, वीडियो थले कमेंट करके जरूर दसना। सो हुण मैनूं दे जज कैमरामैन महेश दे नाल सोनू जांसला दी रिपोर्ट चंडीगढ़।